हेलो क्लास, वेलकम टू PSIR क्लब। PSIR क्लब में आप सभी का स्वागत है। PSIR क्लब में मैं श्रेया सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेकेंड ARC रिपोर्ट। आज की क्लास में हम फोर्थ रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है आपका रिलेटेड एथिक्स एंड गवर्नेंस से। तो चलिए क्लास, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ रिपोर्ट। फोर्थ रिपोर्ट आपका किससे रिलेटेड है? एथिक्स एंड गवर्नेंस से। तो फोर्थ रिपोर्ट का जब आप फ्रंट पेज देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल एक कोटेशन दी गई है महात्मा गांधी द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये एक सिंपल सी कोटेशन है। अगर आप इस कोटेशन को कहीं पे मेंशन करना चाहें अपने GS पेपर में, एसे में, तो आप इस कोटेशन को मेंशन भी कर सकते हैं। क्लास, हम इस रिपोर्ट को जब डिस्कस करेंगे तो हम एक एक पैराग्राफ को नहीं डिस्कस करेंगे, हम खाली उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पेपर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपके लिए नोट्स में चीजों को हाईलाइट किया है। आप अगर चाहें तो अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको ये भी बताया था कि ARC रिपोर्ट का रेलेवेंस आपके GS पेपर 2 में, 3 में और 4 में, तीनों में है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स इन गवर्नेंस, उसका रेलेवेंस आपका GS पेपर 2 और GS पेपर 4 में होगा। GS पेपर 4 ज़्यादा कवर होगा GS पेपर 2 के कंपेरिजन में। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पहली लाइन जो लिखी है, यहाँ पे इन्होंने एथिक्स को डिफाइन किया है। ठीक है, व्हाट इज एथिक्स? तो इस डेफिनेशन को आप अपने GS पेपर 4 में लिख सकते हैं। देखिए लिखा है, एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। ये चीज टर्म आप याद रखिएगा, दैट सोसाइटी प्लेसेस। जब आप अपना GS पेपर 4 कवर करते हैं, और अभी हम PSIR क्लब में GS पेपर 4 आपका कवर भी कर रहे हैं, वहां पे मैंने बच्चों को बताया है तीन टर्म्स होते हैं, एक वैल्यू, ठीक है, एक आपका होता है एथिक्स, और फिर हम डिस्कस करते हैं मॉरल्स। वैल्यूज की जब भी हम बात करते हैं, वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और बिलीफ। जब भी हम वैल्यूज की बात विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, वैल्यू इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ। दिख रहा है, जब हम वैल्यूज को सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वहां के लिए हम टर्म यूज करते हैं एथिक्स। जब हम वैल्यूज को एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तब वहां के लिए हम टर्म यूज करते हैं मॉरल। अगर आपको इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है, GS पेपर को और अच्छे से पढ़ना है, तो आप जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ व्हिच हेल्प्स गाइड बिहेवियर चॉइस एंड एक्शन। तो ये आपकी GS 4 की एथिक्स की डेफिनेशन हो गई। सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने करप्शन के बारे में बात किया है और एथिक्स को डिफाइन किया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जब भी हम करप्शन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जहां पर भी करप्शन हो रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे एथिक्स आपका फेल कर गया है। करप्शन वर्ड जो है वो आपका एक लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है, और वो लेटिन वर्ड आपका क्या है? कोरप्टस। दिख रहा है, जिसका कि मतलब क्या होता है? टू ब्रेक और टू डिस्ट्रॉय। देखिए यहां पे लिखा भी है। इसी तरीके से जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका कि मतलब क्या होता है? आपका अराइजिंग फ्रॉम द हैबिट। एथिकोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम द हैबिट। इतना आपको समझ में आए। चलिए अब हम इसी चैप्टर के फोर्थ पैराग्राफ में चलते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में करप्शन को डील करने के लिए दो अप्रोचेस को डिस्कस किया गया है। अब वो दो अप्रोचेस क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि फर्स्ट अप्रोच जो है वो इम्फेसिस देना, ओवर इम्फेसिस देना किस पे? वैल्यू पे एंड कैरेक्टर पे। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करना चाह रहे हैं, हम वैल्यूज पे ओवर इम्फेसिस की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम करप्शन को डील कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच ये क्या कहते हैं?
जब ये अपनी सेकेंड अप्रोच के बारे में बताते हैं, उसके पहले वो ये बताते हैं एआरसी रिपोर्ट में, एआरसी रिपोर्ट ने आपको ये बताया है कि इट इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ। वो बिलीव क्या है, समझिए, सेकेंड अप्रोच को डिस्कस करने के पहले, बताने के पहले इन्होंने ये बताया है कि जो सेकेंड अप्रोच है वो आपके एक बिलीफ पे बेस्ड है। वो बिलीफ क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं दे आर फंडामेंटली डिसेंट, वो सोशली कॉन्शियस होते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल प्रपोर्शन के लोग ऐसे भी होते हैं, अगर 100 लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो लोग आपके सोशली कॉन्शियस है, फंडामेंटली डिसेंट है, उसी में से 10 लोग ऐसे भी हैं, स्मॉल प्रपोर्शन के लोग ऐसे भी हैं जिनको कि सोसाइटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है, उन वो बस अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो आपके फंडामेंटली डिसेंट होते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी गुड बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी के प्रति जागरूक लोग हैं, अवेयर्ड लोग हैं, जो कि सोसाइटी के हित में काम कर रहे हैं, मेनली यहाँ पे टर्म यूज किया गया है गुड बिहेवियर, जो भी आपके कॉन्सिस्टेंटली गुड बिहेवियर शो कर रहे हैं उन्हें हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। और जो सोसाइटी की अगेंस्ट चीजें कर रहे हैं, जो बैड बिहेवियर शो कर रहे हैं, देखिए टर्म लिखा है बैड बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड अप्रोच क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। समझ में आया, जो भी गुड बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिलना है, जो भी बैड बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको पनिशमेंट की बात इन्होंने दो अप्रोचेस में की है। इन्होंने फिफ्थ पैसेज में क्या कहा है, फिफ्थ पैराग्राफ में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है जब भी हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे हमने पहले जब दो अप्रोचेस की बात की थी तो वहां पे हमने वैल्यूज एंड कैरेक्टर की बात की थी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात की थी। अब ये कहते हैं रियल वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड में दो चीजें जरूरी होती है, पहली वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के साथ साथ इंस्टीट्यूशन का भी अपना एक रोल होता है, ठीक है, सोसाइटी में वैल्यूज हैं हम मान के चल रहे हैं, वैल्यूज जो होती हैं वो एक गाइडिंग स्टार होती है जो कि सोसाइटी को गाइड करती है, समझ में आ रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन चेक करेगा कि जो भी वैल्यूज सोसाइटी ने एक्सेप्ट की है वो आपकी प्रॉपरली फॉलो हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है, और अगर फॉलो हो रही है तो उस कंडीशन में रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर फॉलो नहीं हो रही है तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी वजह से इन्होंने कहा है बोथ वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन मैटर्स, समझ में आ रहा है, वैल्यूज विदाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट विल सून बी वीकेंड एंड डिसिपेटेड, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इन्फोर्समेंट नहीं होगा, तो जो वैल्यूज है वो धीमे धीमे आपकी वीक पड़ने लगेगी। इतनी चीजें समझ में आ गई। और यही जब हम इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो हम लॉस की बात करते हैं, समझ में आया, थ्रू लॉस ही तो आप चीजों को इन्फोर्स करते हैं। चलिए अब सिक्स पैराग्राफ में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन को बढ़ने के पीछे, एग्रेवेटेड दिख रहा है, द करप्शन एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस हैव बीन एग्रेवेटेड बाय थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स की इन्होंने बात की है करप्शन के, बढ़ते करप्शन के पीछे। पहला इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस से, पहला पहला इन्होंने कहा कि कॉलोनियल लेगेसी थी, आपको पता है ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल में पूरी शक्तियां ब्रिटिशर्स के पास हुआ करती थी, उनके पास आर्बिट्री पावर हुआ करती थी, एक्सेसिव पावर हुआ करती थी, तो वो आपके मेली करप्ट हुआ करते थे। तो जब भी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, समझ में आ रहा है, ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर पावर है तो इंसान करप्ट होगा, और अगर उसको एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाए, आर्बिट्री पावर दे दिया जाए, कोई चेक नहीं करने वाला हो, तो वो आपका पूरा पूरा करप्ट हो जाएगा। दूसरा, पहला फैक्टर तो आपने डिस्कस कर लिया, आर्बिट्री पावर के बारे में इन्होंने कहा है फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज इन्होंने क्या कहा है कि जो सोसाइटी में असिमेट्री है, जो पावर है वो असिमेट्रिकली आपकी सोसाइटी में डिवाइडेड है, कुछ ऐसे सेक्शन है जिनके के पास बहुत ज्यादा पावर है, कुछ ऐसे सेक्शन है जिनके के पास बिल्कुल भी पावर नहीं, ये भी करप्शन का एक रीजन है। और थर्ड रीजन इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखिए सेवेंथ पैराग्राफ में, थर्ड रीजन है ओवर रेगुलेशन, सीवियर रिस्ट्रिक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, नियर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी सेक्टर।
अगर हम किसी के भी मोनोपोली की बात करें, हम अगर गवर्नमेंट को ही एक्सेसिव पावर दे दे, गवर्नमेंट जो है आपकी वो ओवर रेगुलेट करने लगे लोगों को, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दे हर चीज में, स्टेट कंट्रोल आपका बढ़ जाए, मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपका करप्शन होता है। समझ में आया? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि मोनोपोली हम सरकार की कर दे, मतलब हम उनको एक्सेसिव पावर दे रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको समझ में आई। पहली चीज मेरे साथ बोलो, हमने पहले क्या बात कही? हमने पहला फैक्टर कहा कि पावर आर्बिट्रेशन की बात की हमने, हम किसी को अत्यधिक पावर दे रहे हैं। दूसरा क्या था? हमारी जो सोसाइटी है वहां पे आपका असिमेट्री देखी जाती है। और थर्ड यहाँ पे हमने क्या कहा? मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब इधर आइए, एक मिनट क्लास, बस एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। अब यहां पे देखिए आप, एट्थ पैराग्राफ, एट्थ पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इसमें इन्होंने लिखा है, फिर मोनोपोली की ही बात की है, इन्होंने कहा है जब भी किसी की मोनोपोली होती है तो वहां पे करप्शन होता है। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा है, इट इज जनरलाइज जनरली रिकॉग्नाइज दैट मोनोपोली एंड डिस्क्रीशन इंक्रीजेस द प्रोपेंसिटी टू करप्शन वाइल कॉम्पिटिशन एंड ट्रांसपेरेंसी रिड्यूसेस द करप्शन। मतलब इन्होंने एक तरफ करप्शन के इंक्रीमेंट की बात की है कि करप्शन इंक्रीज कब होगा, जब भी मोनोपोली होगी डिक्रीशन होगा तो आपका करप्शन इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, और जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब कंपटीशन होगा ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा, समझ में आ रहा है। अब यहां पे इन्होंने इसी लाइन को आपके एक्सप्लेन किया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमने किया, हमने एलपीजी लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की, हमने अपनी इकोनॉमी ओपन की, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, जब कंपटीशन बढ़ा तो फिर क्या हुआ? देखो यहां पे लिखा है एज अ कॉम्पिटिशन केम इन एंड द चॉइस एक्सपेंडेड, चॉइसेस बढ़ी, द करप्शन जो था वो आपका धीमे धीमे कम होने लगा। देखा, लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा जैसे टेलीफोन, स्टील, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्रीज जो थी, जो टू व्हीलर आपकी इंडस्ट्रीज थी, ऐसे कई सेक्टर थे, ठीक है, जहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हमने देखा कि करप्शन आपका धीमे धीमे कम पड़ने लगा। इसी तरीके से इन्होंने कहा जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो आपकी ट्रांसपेरेंसी भी आती है, समझ में आ रहा है। अब हम ई गवर्नेंस की आज के समय बात करते हैं, हम कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी आती है, और जैसे ही ट्रांसपेरेंसी आएगी करप्शन आपका कम होता जाएगा। ठीक है क्लास, अब एक और फैक्टर के बारे में ये डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं करप्शन के पीछे एक फैक्टर आपका ओवर सेंट्रलाइजेशन भी है। हमने अभी मोनोपोली की बात की और हमने कहा जब हम मोनोपोली को कम करेंगे, ठीक है, तो आपका करप्शन भी कम होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। उसी तरीके से इन्होंने कहा ओवर सेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आर्बिट्री पावर की बात कर रहे हैं, हम चीजों को सेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं, और आपको पता है इंडिया में हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, समझ में आ रहा है, हम रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी चीजें ओवर सेंट्रलाइज्ड होंगी तो वहां पे करप्शन आपका होगा। तो ओवर करप्शन ब्रीड्स, अरे ओवर सेंट्रलाइजेशन, जब भी चीजें ओवर सेंट्रलाइज होंगी तो करप्शन होगा, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन ब्रीड्स करप्शन, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। टेंथ को देखिए, टेंथ में इन्होंने क्या लिखा है, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं हम एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन की बात करते हैं। ठीक है, दिख रहा है, द एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन इन ऑर्डर टू होल्ड दोस इन अथॉरिटी टू अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इफेक्टिव सिटीजन चार्टर की बात की है, दिख रहा है आपको, और ये इसके थ्रू, इन डिवाइसेस के थ्रू ये क्या करना चाह रहे, स्टेक होल्डर्स की बात की है, सिविल सोसाइटीज की बात की है, और इनके थ्रू ये अकाउंटेबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ही हम करप्शन को क्या कर पाएंगे, कर्ब कर पाएंगे और इंटीग्रिटी को प्रमोट कर पाएंगे। फिर 11th में इन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ पे फोकस किया है,
ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की बात की है, पनिशमेंट की बात की है, आप 13 पॉइंट में देखिए, इन्होंने कहा है किसी भी तरीके का करप्शन हो, ऑल फॉर्म ऑफ द करप्शन, ऑल फॉर्म ऑफ करप्शन आर रिप्रिहेंसिबल एंड वी नीड टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तरीके का करप्शन हो वो आपका गलत ही होता है, एंड वी नीड टू प्रमोट आर जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। क्लास देखिए, ये स्टेटमेंट आप अपने जीएस पेपर में लिख सकते हैं एज इट इज, समझ में आ रहा है? 14 पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जो करप्शन है वो आपका ग्लोबल फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि भारत ही करप्शन को फेस कर रहा है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। ठीक है, यहाँ पे इस रिपोर्ट को आप मेंशन कर सकते हैं जब आप करप्शन के बारे में लिख सकते हैं, ये आपके आंसर को और इफेक्टिव बनाएगा। जैसे द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन वॉज एडॉप्टेड बाई उनगा, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली इन 2003, दिख रहा है आपको। इसी तरीके से एडीबी ने एंटी करप्शन एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया है जिसके कई मेंबर भारत भी है, ठीक है, विच हैज बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। वर्ल्ड बैंक जो है आपका, वर्ल्ड बैंक हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द करप्शन बाय रिफ्यूजिंग टू फंड द प्रोजेक्ट हुज इंप्लीमेंटेशन इज टेंटेड बाय द करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट आप लिखिए कि वर्ल्ड बैंक का क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, ओईसीडी का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का प्लान उन्होंने अडॉप्ट किया है। इसी तरीके से आप आईएमएफ के बारे में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या एक्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं करप्शन को के अगेंस्ट। आप 15 पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इन्होंने लिखा है कि रिसेंटली भारत में कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि आपके एंटी एक्शन, एंटी करप्शन इनिशिएटिव है, मतलब करप्शन के अगेंस्ट है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा, उसको शुड फाइल अ डिटेल्स रिगार्डिंग देयर वेल्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर उसका कोई है, उसको सारी चीजें इंफॉर्मेशन अपने नॉमिनेशन पेपर में फिल करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ पोटेंट वेपन टू फाइट द करप्शन, दिख रहा है आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव, ठीक है, ये सब एक इस तरीके के प्रोसेस है जिससे कहीं ना कहीं आपके करप्शन में रिडक्शन होगा। अब 16 में इन्होंने बोला है बेनामी प्रॉपर्टीज ऑफ करप्ट पब्लिक सर्वेंट नीड टू बी फोर्टिफाइड एंड ऑल्सो एसेट इनलीगली एक्वायर्ड फ्रॉम द करप्ट प्रैक्टिसेस, और विसल ब्लोअर लेजिस्लेशन की बात की है। जो भी विसल ब्लोअर है, कोई ऐसा आदमी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसने आवाज उठाई करप्शन के अगेंस्ट, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने पर भी इन्होंने कहा है, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए, इतनी चीजें कंप्लीट हुई क्लास। अब देखिए यहां पे इन्होंने 18 पैराग्राफ में लिखा है, वन ऑफ द टर्म ऑफ द रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पर्टेन टू एथिक्स एंड गवर्नेंस, विजिलेंस एंड करप्शन की बात इन्होंने की है, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेंथनिंग की बात की है, एड्रेसिंग द सिस्टमेटिक डिफिशिएंसी। देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, चाहे वो जीएस पेपर 2 हो, चाहे वो जीएस पेपर 4 हो, आप ये टर्म्स लिख सकते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, लॉज है, उसको हम स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, जो भी सिस्टमेटिक डिफिशियंसी है उसको एड्रेस करने की बात करेंगे, आइडेंटिफाइंग द प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन फैक्टर्स विच लेड टू द करप्शन, सजेस्ट द मेजर टू कम्बैट द करप्शन, दिख रहा है आपको। ये इस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं क्लास। अब इधर आइए, यहां पे हाँ देखिएगा क्लास, यहां पे ये देखिए, यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट जो आपके सिविल सर्वेंट हैं उनके जो बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन को इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं, ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क करे, एफिशिएंटली वर्क करे, हार्मोनियस रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में आपके इस्टेब्लिश हो सके, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द डिफरेंट ऑर्गन, कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करने की बात कही गई है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आपको
एक चीज और समझाऊंगी आज के क्लास में। ये तो हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, एक चीज और समझिएगा आप। देखिए एआरसी रिपोर्ट आपके लिए कितनी बेनिफिट है। थोड़ा सा हमने करप्शन के बारे में डिस्कस किया कि आप अपने एग्जाम में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। हाँ, अब यहां पे देखिए क्लास, ये आपका एआरसी रिपोर्ट में मेंशन कंटेंट है। ये दिख रहा है आपको, अभी हमने कंटेंट में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। लेकिन अब देखिए, अगर आप पेपर में करप्शन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, करप्शन के बारे में आपने लिखा, और करप्शन को डील करने के लिए अगर आप वेरियस फ्रेमवर्क को एज इट इज लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। जैसे हमने कहा किस तरीके से आप करप्शन को टैकल कर सकते हैं, पहला आपने लिख दिया हाउ टू टैकल करप्शन, और उसमें पहला पॉइंट आपने लिख दिया एथिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, वैल्यूज को इनकलकेट करके, ठीक है, कैरेक्टर बिल्ड करके, कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करके, सबके लिए, चाहे वो आपके सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो आपके पॉलिटिक्स में हम बात कर रहे हैं, किसी भी चीज में, एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वैल्यूज को इनकलकेट करने की बात कर रहे हैं। पहले इसके थ्रू हम अपने करप्शन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, देखिए, थ्रू लीगल फ्रेमवर्क आपने लिखा, बस एक हेडिंग, थ्रू लीगल फ्रेमवर्क टू फाइट द करप्शन। यहाँ पे आपने वेरियस चीजों को मेंशन कर दिया, जैसे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में आपने मेंशन कर दिया, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन के बारे में आपने मेंशन कर दिया, फिर प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर के बारे में आपने दो लाइन में मेंशन कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द सिविल सर्वेंट के बारे में आपने मेंशन कर दिया। ये कुछ लाइन अगर आप मेंशन कर भी दे रहे हो अपने पेपर में, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इसको चीजें पता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम एक एक चीज, एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से तीसरा फ्रेमवर्क आपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लिख दिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपने लोकपाल, लोक आयुक्त के बारे में बता दिया, ठीक है, फिर आपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख दिया, फिर उसमें आपने सिटीजन इनिशिएटिव के बारे में, फॉल्स क्लेम एक्ट के बारे में, आपने सिटीजन चार्टर के बारे में, वेरियस चीजों के बारे में मेंशन कर दिया। तो वहां से भी एग्जामिनर को लगेगा कि इसको पता है। समझ में आ रहा है चीजों को? तो यहाँ पे देखिए, अगर कंटेंट में रोल ऑफ मीडिया आपने लिख दिया, सोशल ऑडिट के बारे में लिख दिया, दिख रहा है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म में आपने सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन के बारे में लिख दिया, किस तरीके से आईटी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप करप्शन को रोक सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सकते हैं, इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सीधे कंटेंट से उठा के इन वर्ड्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं। जो मेरा पर्पस था वो आपको समझ में आया होगा। आपने डाला टैकल करप्शन, और यहाँ पे आपने डाल दिया एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल फ्रेमवर्क में दो तीन पॉइंट्स आपने लिख दिए, आपने लिख दिया, फिर उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क, वहां पे आपने दो तीन पॉइंट्स लिख दिए। समझ में आ रहा है? आपने सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, ठीक है, आपने वहां पे दो तीन पॉइंट लिख दिए, या सिस्टम रिफॉर्म की आपने बात कर ली, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की आपने बात कर ली, ठीक है, फिर इस तरीके से आप उसके अंदर दो तीन पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसे आप अपने आंसर्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी आज के क्लास में। कल की क्लास में मैं कुछ चीजें और डिस्कस करूंगी, प्लस इन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट कोटेशन मेंशनड है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप उन कोटेशंस को याद कर सकते हो तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ बस उन पॉइंट्स को नोट करते चलिए। क्लास में फिर आपसे कहूंगी, जो सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अभी ऐसी सीरीज कोई भी नहीं लेके आया, ये फर्स्ट टाइम है जो कि जीएस पेपर को हम कवर कर रहे हैं थ्रू एआरसी रिपोर्ट, ठीक है। मेरा मेन पर्पस बस ये है कि आपकी छोटी सी नोट्स मैं बनवा दूं और आप अपने पेपर में ये पॉइंट्स मेंशन कर सके। ये एक कॉमन टॉपिक्स है जो कि आपको जीएस पेपर 2 में भी मिलेंगे, 4 में भी मिलेंगे, और 3 के जो टॉपिक्स हैं वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।